एवरीवन, आई एम डाइटिशियन काजल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिलीवरी के बाद माँ का और बेबी के अच्छे हेल्थ के लिए डाइट में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक महिला को पोषक तत्वों से भरपूर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि उनका और गर्भ में पल रहे बेबी का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास अच्छा रहे। लेकिन आफ्टर डिलीवरी माँ का खान पान जो है उतना ही पौष्टिक होना चाहिए जितना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहा है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ के द्वारा खाया जाने वाला आहार बेबी को स्वस्थ और मजबूत बनाने में हेल्प करता है। दूध के अच्छे उत्पादन के लिए माँ को अपने डेली डाइट में ड्राई कोकोनट, बाजरा एंड रागी के लड्डू, तिल के लड्डू, ओट्स और हरे पत्तेदार सब्जियों जैसे फूड का सेवन करना चाहिए और साथ ही लिक्विड का जो इंटेक है वो अच्छे क्वांटिटी में लेना चाहिए। पूरे दिन में 3 से 4 लीटर तक लिक्विड का सेवन करना चाहिए। इसमें सूप हो गया, जूसेस हो गए, बटर मिल्क हो गया एंड दाल भी इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी होते हैं, जैसे होल व्हीट हो गया, बाजरा, ज्वार, रागी, ब्राउन राइस एंड शक्करकंदी यूज कर सकते हैं। प्रोटीन अच्छे क्वांटिटी में लेना चाहिए। पल्सेज में आप अरहर और मूंग की दाल, राजमा, छोले, चने, स्प्राउट्स एंड अंडा यूज कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक आप टोंड मिल्क, लो फैट पनीर, चीज़, बटर मिल्क और दही आपको रेगुलर यूज करना चाहिए, क्योंकि बेबी जो है वो माँ के ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कैल्शियम लेता है। इसके अलावा आपको विटामिन ए, सी, डी एंड फॉलिक एसिड एंड B12 जो अच्छी मात्रा में यूज करना चाहिए। लाइक आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, मेथी के दाने, अमरैंथ, ब्रोकली, गाजर, कद्दू, परवल, तोरी, टिंडा और आंवला, नींबू, ऑरेंज, संतरे यूज कर सकते हैं। आयरन भी अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए, जैसे आप गुड़ ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं और खजूर ले सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक और हल्दी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी के गुण होते हैं और ये विटामिन B6, B और पोटेशियम एंड मैग्नीशियम रिच होते हैं। डिलीवरी के बाद घाव को भरने या पेट संबंधी कोई भी परेशानी हो उसको ठीक करने में हल्दी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। आप 1 गिलास गर्म दूध में 1/2 चम्मच हल्दी डाल के यूज कर सकते हैं। अदरक को आप वेजिटेबल्स में या चटनी में यूज कर सकते हैं। अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद होता है डिलीवरी के बाद, अगर आपको गैस या अपच की समस्या है तो उसको दूर करने में अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक एंड एंटी फंगल गुण होते हैं। आप 1/2 चम्मच अजवाइन गर्म पानी के साथ यूज कर सकते हैं। आलमंड्स भी बहुत फ़ायदेमंद होता है डिलीवरी के बाद सामान्य अवस्था में आने के लिए। आलमंड्स आप अपने डाइट में यूज कर सकते हैं, इसको आप दूध में डालकर ले सकते हैं। तिल, काले तिल और वाइट तिल आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम रिच होते हैं। आप तिल के लड्डू या तिल की चटनी बना के यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं खाना है, जैसे कोई भी मसालेदार भोजन से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। गैस बनाने वाली फूड से दूर रहना चाहिए, जैसे अगर आप कोई भी ऐसा फूड खा रहे हैं जिससे आपको गैस, एसिडिटी या डकार जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसी फूड से दूर रहें, क्योंकि ये भी बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एलर्जी वाली चीज़ से आपको दूर रहना चाहिए। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बेबी को एलर्जी ही होता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि फीडिंग के तुरंत बाद किसी तरह की एलर्जी हो गई है तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी चीज़ से बेबी को एलर्जी हो रहा है। इसमें आप अपने डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। कोई भी अल्कोहल या कैफीन
आपको अपने डाइट में नहीं लेना है, क्योंकि इसका भी गलत असर पड़ेगा आपके बेबी के हेल्थ पे। इसके अलावा आपको ज़्यादा डीप फ्राई फूड, प्रोसेस फूड, ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी फूड जो है वो आपके भी और आपके बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको कोई भी तला हुआ फूड नहीं लेना चाहिए डिलीवरी के बाद। आपके फैट को बढ़ा सकता है और आपके बेबी के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। कोई भी ज़्यादा प्रोसेस फूड है, तला भुना फूड है, इन सब से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। कोई भी दवाइयाँ आप अपनी मर्जी से ना लें, क्योंकि इसका गलत असर ब्रेस्ट फीड के द्वारा बेबी पे पड़ सकता है। आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही कोई भी दवाई लें। चाहे आपको मल्टीविटामिन्स भी लेना है तो वो आप अपने एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें फिर ही यूज करें। अक्सर पूछने वाले फूड जैसे कि घी, बहुत लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि डिलीवरी के बाद घी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, घी को आपको लिमिट मात्रा में, थोड़े क्वांटिटी में ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और ये आपको ताकत देती है। तो घी आप ज़रूर लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है कि घी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपकी डाइट से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट या मेल करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।